नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी, और आइए नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा की आज की प्रमुख खबरों पर। शुक्रवार की रात शहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद शनिवार को शहर के हालात बिगड़े नजर आए। शहर के सभी नालों के साथ वर्षों बाद बोधरी नदी भी उफान पर रही। इधर गांधीगंज चंदनगांव क्षेत्र में घरों और दुकानों में जलभराव के हालात रहे। ऐसे में जलभराव वाले क्षेत्रों में रहवासियों को पूरी रात जाग कर गुजारनी पड़ी। इधर बोधरी नदी के तेज बहाव में शहर की प्यास बुझाने के लिए अमृत योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन संचार कॉलोनी के पास स्ट्रक्चर सहित टूट गई। शनिवार को हालात ये रहे कि हर तरफ से लोगों ने निगम अधिकारियों के फोन झनझनाए, जिसके बाद पानी निकासी के लिए निगम अमले को दिन भर मशक्कत करनी पड़ी। 10 बजे रात से भर रहा है जी। तो आप लोग कहाँ थे इस समय? रात भर से हम सर इतने इतने पानी से निकल के बाहर आए हैं, उसके बाद हम लोग रात भर से यहीं खड़े, कोई सोया तक नहीं है सर। तो रात को फिर आप लोग क्या तैयार के निकले गए सर? जी सर, सभी लोग निकले, इतना इतना पानी भर गया था सर। शनिवार की सुबह 4 बजे जिले के बिछुआ तहसील से छिंदवाड़ा में कॉल सेंटर के लिए निकले 28 वर्षीय युवक महेश प्रजापति को काल की तरह आकर नदी बहा ले गई। जानकारी के अनुसार महेश बिछुआ से इमलीखेड़ा स्थित कॉल सेंटर के लिए घर से निकला था। बीच में कुकड़ा किरार गांव के पास कुकड़ा और बीसापुर के बीच कुलबहरा नदी पुल के पास उसकी बाइक खड़ी मिली, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बारिश के बहाव में युवक बह गया और बाइक पुल में ही खड़ी रह गई। बाद में पता करने पर उमरानाला पुलिस ने युवक के शव को बरामद कर लिया। छिंदवाड़ा के श्री रामलीला में धनुष यज्ञ का प्रसंग को अब कभी भुलाया नहीं जा सकता। शुक्रवार को आयोजित की गई इस लीला ने अपनी एक अलग पहचान ही बना ली और 131 वर्ष की परंपरा को भलीभांति निभाया। बीती रात भीषण बारिश के दौरान जहां रामलीला परिवार ने लीला को अन्य दिनों की भांति ही सुचारू रूप से चलाया, वहीं रामलीला के ऐसे दर्शक भी देखे जिन्हें बारिश ने कहीं से भी प्रभावित नहीं किया। वे भीगते हुए भी इस रामलीला का आनंद उसी प्रकार ले रहे थे जैसे अन्य दिनों में ले रहे हों। दूसरी ओर काफी संख्या में लोग छात्रों और रेनकोट के सहारे खड़े होकर रामलीला के मंचन का आनंद लेते रहे। आपको बता दें कि 3 से 4 घंटे तक बारिश ने अपना जोर दिखाया, पर दर्शकों का मनोबल डिगा ना सकी। धनुष यज्ञ की रामलीला में श्री राम की भूमिका रजत पांडे, लक्ष्मण की भूमिका आयुष शुक्ला, रावण की भूमिका पोस्ट मास्टर विनोद विश्वकर्मा, विश्वामित्र की भूमिका दिवस दुबे ने भली भांति निभाई और अन्य पात्रों का अभिनय भी देखने लायक रहा। शहर के छोटा तालाब के पास बेदी बार से लेकर राठी जी बैटरी वालों के तलघर और घरों में पानी भर गया, जिससे निगम ने छोटा तालाब में पानी निकालने की कोशिश की। वॉल खोलकर पानी बहाने की कोशिश की गई, लेकिन तालाब का पानी भी लबालब होने के कारण निकल नहीं पाया। बीती रात लगातार बारिश ने आम जनमानस की बिजली पानी हवा को दूभर कर दिया। देर शाम मूसलाधार बारिश से सोनाखार फीडर एमलिया बहुता के पास से सप्लाई बंद हो गई। यहां तक कि पूरी रात सब स्टेशन भी बंद रहा, जिसे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अगले दिन दोपहर 1 बजे तक बनाया। इस दौरान लगातार बारिश होती रही। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बारिश के साथ लाइटनिंग की चमक से कई स्थानों में फॉल्ट आ गया। वहीं कुछ जगहों में पानी से बचने के चक्कर में तारों के साथ लिपटे हुए नागों के कारण भी फॉल्ट हुआ, जिन्हें बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सोनपुर में देर शाम बंद हुई बिजली 19 घंटे बाद दोपहर 1 बजे चालू हुई। वहीं सरसवाड़ा में रात 12 बजे से बंद हुई बिजली सुबह 11 बजे शुरू हुई। शहर के कुछ स्थानों में भी बिजली का यही हाल रहा। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।